Hello friends, this is Shiv Sagar and today we are doing second lesson of 12th class book Flamingo. Name of the lesson is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. About the author, Anis Chunk. She was born in Rourkela and spent her childhood. ये जो है जो लेखिका है ये बोर्न हुई थी राउरकेला में और इसने अपना जो चाइल्डहुड है वो बिताया है कहाँ पर राउरकेला में एंडोलेंस इन हैदराबाद और हैदराबाद में ही ये बड़ी हुई. सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये हैदराबाद में पढ़ी है उसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चली गई. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स और इसके जो पेरेंट्स थे दोनों ही राइटर थे. ठीक है लेसन स्टार्ट करते हैं. समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. कई बार मेरे को एक रुपया मिल जाता है गार्बेज में. व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहिब होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्कॉचिंग फॉर द गोल्ड इन गार्बेज डम्प ऑफ माई नेबरहुड. जो ऑथर है वो पूछती है किससे, साहिब से. आई यहाँ पे कौन है ऑथर, ऑथर कौन, अनीस जंग. अनीस जंग ये एक लेडी है मतलब लेखिका है ये. तो अनीस जंग जो है लेखिका वो पूछती है साहिब से जिससे वो कहाँ मिलती है, जो एनकाउंटर होता है उससे वो मिलती है जब वो सुबह गोल्ड के लिए गार्बेज के डंप जो थे उनको ढूंढ रहा होता है. यानी जो कचरा उठाने वाले होते हैं गार्बेज में हाथ पैर मारते रहते हैं ना, स्कोर्जिंग कर रहे हैं, तो वो जब गार्बेज को टटोल रहा होता है उसके पड़ोस में, तो उसने पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ये क्यों करते हो, क्यों चुकते हो ये. साहिब लेफ्ट होम हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया है. सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. इसने क्या था, उसके जो ग्रीन फील्ड थे यानी जो खेत थे वो छोड़ दिए ढाका से. हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टिंक्ट मेमोरी. और उसका जो घर था वो उसकी दूर दूर तक की मेमोरी में, यानी अब उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं था. यानी बहुत पहले जो है ये ढाका से आगे है. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. बहुत सारे तूफान आए जिन्होंने क्या किया, स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, उनके खेतों को धो दिया, एंड होम्स यार उनके घरों को साफ कर दिया. यानी तूफान आए जिसमें उनका घर खेती जो थी सब कुछ उड़ गए. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसे बताया था. उसकी माँ ने क्या बताया था, साहिब की माँ ने साहिब को बताया था कि वो ढाका से आए हैं. साहिब को तो अपने घर के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन तो जो तूफान आए थे, जो खेत होते थे इनके, घर भी इनका खुद का था, लेकिन वहां पे तूफान वगैरह आए जिससे उनका घर भी खत्म हो गया और उनके जो खेत है वो भी खत्म हो गए. यानी उनके अंदर जो फसल होती है वो खत्म हो जाती है. दैट इज वाई दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और ये गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे अपनी आजीविका के लिए है, और अपनी आजीविका के लिए खेत में तो कुछ होता नहीं था, ये अपनी आजीविका के लिए क्या था, बड़े शहर में आ गए थे. और तुमने क्या पूछा है, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो. आंसर है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. साहिब जो है दूसरी तरफ देखता और कहता कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं. ऑथर कहती है गो टू स्कूल, से ग्लिबली, स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. और इस बात का मतलब जल्दी इसको पता लग गया, या की एडवाइस दी कि स्कूल में जाओ. देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, उसने कहा देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो. अब साहिब कहता है कि हमारे पड़ोस में ना स्कूल है ही नहीं, और जब हमारे स्कूल पड़ोस में स्कूल होगा तो फिर मैं स्कूल में चला जाऊंगा. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अब ऑथर पूछती है, ऑथर कहती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तुम आओगे. आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग थोड़ा सा मजाक में करते हुए. यस
ही सेज, वो कहता है, एंड स्माइल ब्रॉडली, और थोड़ा सा मुस्कुराता, हाँ हाँ अब स्कूल शुरू आता हूँ मैं। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। इज योर स्कूल रेडी, तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, स्कूल बनाने में ज्यादा समय लगता है, आई सी, मैंने कह दिया। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड होता है शर्मिंदगी, थोड़ी शर्मिंदगी है ना, झूठ बोला स्कूल, स्कूल थोड़ी खोलना है इसने, तो वैसे ही कह दिया था। अब जो ऑथर है वो थोड़ी सी शर्माती है, मतलब शर्मिंदगी महसूस करती है, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, और क्यों, क्योंकि उसने एक प्रोमिस किया था दैट वॉज नॉट मीट, जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी स्कूल स्टार्ट थोड़ी करना है, कोई मतलब ही नहीं था, इसने वैसे एक होलो प्रोमिस, होलो मतलब खाली सा प्रोमिस कर दिया था, जिसका कोई भी, एक बेकार प्रोमिस था, इसका कोई भी मतलब नहीं था। बट प्रोमिस इज लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे जो प्रोमिस है अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, उसका जो अंधियारा जो वर्ल्ड है ना, अंधकार में जो संसार है, यानी वो जो जीवन जी रहा है ना, उसके जीवन के ऐसे जीवन में बहुत सारे ऐसे जगह होंगी जहाँ पे ऐसे ओलो प्रोमिस, यानी जो बेकार प्रोमिस हैं, झूठे प्रोमिस जो हैं वो किए गए होंगे। After months of knowing him, कई महीनों तक मैं उसे जानने लगी। I asked him, मैंने उसे पूछा his name, उसका नाम। कई महीने बाद जान बार बार ऐसे मिलते मिलते रहे तो जान पहचान होगी। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा साहिब आलम, याद रखेंगे what was the name of full name of साहिब, तो साहिब का पूरा नाम साहिब आलम। He announced, उसने अनाउंस किया। He does not know what it means। अब साहिब आलम को ये नहीं पता है कि साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है। आपको पता है, देखो, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका मीनिंग पता होता, मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, इसको विश्वास करने में इसको बहुत टाइम लगता। मतलब साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन काम क्या कर रहा है, ये गार्बेज जो है वो, उससे प्लास्टिक की बोतलें, कागज वगैरह जो है वो इकट्ठा कर रहा है, तो इस बात पे वो भरोसा नहीं करता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो अनअवेयर था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स, वो घूमता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त यानी एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, उसके दोस्त एक नंगे पैर वाले बच्चों का ग्रुप, एक आर्मी जो पक्षियों की तरह से दिखती है, एंड सुबह को एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को वो, यानी वो क्या करते हैं, वो कागज प्लास्टिक चुगने वाले बच्चे, वो सुबह आते हैं प्लास्टिक वगैरह चुगते हैं और दोपहर को चले जाते हैं, जैसे पक्षी करते हैं, सुबह दाना चुगा और चले गए। ओवर द मंथ्स, महीने बीत गए, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, और धीरे धीरे क्या था कि जो ऑथर है, ये जितने बच्चे थे, ये आर्मी ऑफ बेयर फिट जो थे, इन सबको जो ऑथर है वो धीरे धीरे पहचानने लगी थी। वाई आर यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम सेल्फ, मेरी माँ ने क्या किया है, उसको सेल्फ से नीचे नहीं, मतलब वो स्लेब के ऊपर कहीं रखे हैं और वहां से मेरी माँ ने क्या किया, नीचे नहीं उतारे हैं। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली आंसर दे दिया, मेरी माँ ने नहीं दी उतार के। इवन इफ सी डिड, अगर उसने दिए होते या ऐसा हुआ होता, ही विल थ्रो देम, वो क्या करता, उसको वो फेंक देता। एड्स अनदर, दूसरे ने कहा, हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करते थे, मैच नहीं करते थे, मतलब एक जूता दूसरे दूसरे कलर का, यानी एक दूसरे जोड़ी का जूता, एक दूसरी जोड़ी का जूता, किसी ने फेंक रखे हुए, उसने उठा के पहन लिए। तो उसने क्या था कि अगर उसने कहा एक दूसरे बच्चे ने कि अगर इसको वो देखती भी ना तो ये फेंक देता, और किसने कहा था, वो जो अलग कलर के जूते पहन रखे थे उसने। When I comment on it, और जब मैंने कहा कि तू ये अलग अलग जूते क्यों पहन रहा है भाई, तो he shuffles his feet and said nothing, और उसने क्या किया, सफल किया, सफल करना मतलब वो एक पैर को एक पैर के पीछे छुपा लिया और चुप हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। I want shoes, say a third boy, एक तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते चाहिए, who has never owned a pair all his life. I want shoes, मुझे जूते चाहिए, says a third boy, third boy ने कहा, who has never owned a pair, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी जूते नहीं मिले थे, पहने थे, वो कहता है कि मुझे चाहिए जूते। Traveling across the country, मैंने ट्रेवल कंट्री में बहुत ट्रेवल किया है। I have seen children walking barefooted, मैंने बच्चों को देखा है जो बगैर नंगे पैर जो चलते हैं।
इन सिटीज शहरों में भी हैं ऐसे ऑन द विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पे भी आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो नंगे पैर घूमते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। अब एक और लड़का कहता है, वन इज एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन क्या थी कि पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, पैसा बहुत है, लेकिन सिर्फ हमारा क्या है, ये ट्रेडिशन है हमारा, परंपरा है हमारी कि हम जूते नहीं पहनते। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या कि कोई एक्सक्यूज है टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब क्या एक सिर्फ एक बहाना है, ऑलवेज ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि मतलब उनकी गरीबी है उसको छुपाने के लिए, मतलब ये सिर्फ एक बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, ए मैन फ्रॉम उद्यपी वंस टोल्ड मी, एक आदमी था उद्यपी जिसने मुझे ये कहानी बताई थी। तो एक कहानी मेरे को याद आती है, आई रिमेंबर ए स्टोरी फ्रॉम उद्यपी वंस टोल्ड मी, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो क्या था, वो एज ए यंग बॉय, जब वो बच्चा था तो वो स्कूल जाता था पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने टेम्पल से आगे से गुजरता हुआ, वेयर जहाँ पे हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी क्या थे, एक प्रिस्ट थे। उद्यपी क्या है, उद्यपी एक यंग बॉय था, और जब वो अपने स्कूल मंदिर के सामने से जाता था जिस मंदिर में उसके पिताजी प्रिस्ट थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो वहाँ पे रुक जाता एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वो क्या था, एक पेयर ऑफ शूज के लिए प्रेयर करता कि भगवान एक जोड़ी जूते दिला दे। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, में उसके टाउन में गया, एंड द टेम्पल, और वो जो टेम्पल था वहां गया मैं, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिमोलिशन, जो अब है कहीं ना कहीं जो है खत्म हो चुका था, डिमोलिशन था, यानी उसके ऊपर कुछ काम चल रहा था, वो डिमोलिश कर दिया गया था, वीरान सा हो गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे आंगन में, मतलब मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, वहां पे एक नया प्रिस्ट रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहां पे रेड और प्लास्टिक जो व्हाइट है कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। ए यंग बॉय, एक बच्चा ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, उस बच्चे ने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वेयरिंग शॉक्स एंड शूज, उसने शॉक्स और शूज डाल रखे थे, arrived panting, हाफता हुआ आया, and or threw his school bag on the folding bed, उसने क्या किया, folding bed के ऊपर उस अपने बैग को फेंक दिया। looking at the boy, उस बच्चे को देख के, I remembered the prayer another boy had made to the goddess, फिर मेरे को याद आया कि एक दूसरे बच्चे ने जो प्रेयर की थी goddess से, when he had finally got a pair of shoes, और उसको finally a pair of shoes मिल गए थे, let me never lose them, कि मुझे दोबारा lose ना करने पड़े। the goddess had granted his prayer, भगवान ने उसकी prayer जो सुन ली थी। young boy like the son of the priest now wore shoes, अब जो priest का, वो priest का बेटा था, उसको जूते नहीं थे उसके पास, अब इसके पास जूते हैं। but many other like the rag packers in my neighborhood remain शूलेस, लेकिन मेरे जो नेबरहुड में बहुत सारे बच्चे हैं जो शूलेस रहते हैं, जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है। माई एक्विटेंस, मेरा एक परिचित विद द बेयर फुट रैग पैकर्स ले जाता है मी टू सीमापुरी, यानी इसका कोई परिचित है उत्तर का, और उसको कहाँ ले जाता है, सीमापुरी ले जाता है। ए प्लेस ऑन द प्रीफेरी ऑफ दिल्ली, और ये एक जगह है जो दिल्ली के जो बाहर जो एरिया होता है ना, गाँव के बाहर से जो एक चक्कर प्रीफेरी होती है, बाहर बाहर जो रास्ता घूमता है, तो दिल्ली के बाहर जो प्रीफेरी है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, उससे कई मील दूर, मतलब मेन दिल्ली से तो बहुत दूर है। मेटाफरिकली, दोज हु लिव हेयर आर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1971, जो यहाँ रहते हैं वो क्या है, वो लगभग 1971 में यहाँ पे आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली उनमें से एक है। तो साहिब कहाँ से आया था, बांग्लादेश से आया था, कब आया था, 1971 में, वहाँ पे इनके फील्ड्स थे, खेत थे, लेकिन वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, और यहाँ पे बिल्कुल सुनसान पड़ा था, जंगल थे यहाँ पे।
इट स्टिल इज ऐसा ही है यहाँ पे, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यहाँ पर खुली जगह नहीं है, यानी अब खाली स्पेस नहीं है। पहले तो हम जंगल ही हुआ करते, लेकिन अब यहाँ पर खाली स्पेस नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ बना दिया गया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर मिट्टी के कीचड़ के, वो मिट्टी के जो मकान है वो, विद रूफ जिसकी छतें हैं ऑफ टीन एंड टेरपोलिन तिरपाल की, डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पे ना तो सीवेज है ना ड्रेनेज है, और रेन वाटर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, और लीव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पे लगभग 10,000 जो है रैग पिकर्स वो रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पे लगभग लगभग 30 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, और बगैर किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट, ना उनके पास परमिशन है, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, और राशन कार्ड में नाम है तो इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है, एंड इनेबल्स देम, और ये इसको इनेबल करता है, योग्य करता है टू बाई ग्रेन, कि वो इससे अब अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, वो कहते हैं कि जो फूड है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी कम इंपॉर्टेंट है, पहचान की जरूरत नहीं है, खाना मिल जाए बस। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर हम दिन के खत्म होने पर अपने फैमिली को खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और स्टमक हमारे पेट में कोई भी दर्द ना हो, इसके साथ ही शाम को आराम से खाना वाना खा के अगर हम बिस्तर पर चले जाएं, तो वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स, तो फिर हम क्या है, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे की बजाय कहाँ पे, उन खेतों में, दैट गिव अस नो ग्रेन, जहाँ पे हमें कुछ भी अनाज नहीं मिलता। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटरिड सारीज, व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा तो एक ग्रुप था वुमेन का जिन्होंने फटी साड़ी डाल रखी थी, और वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब ऑथर ने उनसे पूछा ना भाई तुमने अपने खेत और रिवर क्यों छोड़ दिए, वो कहते हैं कि वहां पे तो खाना है ही नहीं, यहाँ पे तुम्हें कम से कम खाना तो मिल रहा है, तो इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी। वेन एवर दे फाइंड फूड, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहां भी उन्हें खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट लगा लेते हैं, दैट बिकम ट्रांसिट होम, और वो उनके ट्रांसिट होम है, यानी एक से दूसरी जगह ट्रांसफर उनको करते रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे जो है उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन जीने के लिए वो क्या है, पार्टनर का काम करते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरीज मीन रैग पिकिंग, और अगर सीमापुरी में बात करें कि सर्वाइवल कैसे होता है तो रैग पिकिंग, तो ये क्या करते हैं बेचारे, रैग पिकिंग का काम करते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, और ये एक फाइन आर्ट में बदल गया है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, अब उनके लिए जो गार्बेज है, अब जो कूड़े का ढेर है उनके लिए गोल्ड है, इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली ब्रेड है, हर रोज यहां से खाना आता है, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिर पर एक छत है, इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही इसे लीकिंग रूफ है लेकिन यहाँ पर छत है, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उससे भी ज्यादा, ये वहां पे आ गए हैं, अब यहाँ पे इनको खाना मिल रहा है, और जो गार्बेज है वो इनके लिए बहुत कुछ है, यहाँ से इनको ब्रेड मिल रहा है, यहाँ पे इनके सर पे छत आ गई है, भले ही छत पे लीकिंग हो, उससे पानी टपकता हो, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ न कुछ ज्यादा है। आई समटाइम फाइंड रुपी, कई बार मेरे को 1 रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, साहिब सेज His eyes lightening up, उसकी आंखें में एकदम चमक आ गई, और कहता है कि कई बार तो मेरे को 10 रुपये मिल जाते हैं यहाँ पे। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिलता है ना गार्बेज में, यू डोंट स्टॉप स्कॉर्चिंग, आप उसको सर्च करना, वहां पे उसको कुरेदना छोड़ते नहीं हो, फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और आपको उम्मीद होती है कि यहाँ पे शायद कुछ और भी मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इज मीनिंग टू देयर पेरेंट्स, और ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो गार्बेज है उसका मीनिंग डिफरेंट है, और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए इसका मीनिंग डिफरेंट है। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है गार्बेज, वंडर आश्चर्य से भरा हुआ, पता नहीं यहाँ पे
1 रुपया मिल सकता है, 10 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए क्या है, फॉर द एल्डर्स इट इज द मेन ऑफ द सर्वाइवल। और मीनिंग क्या है उनके लिए, बड़ों के लिए, कि ये उनके जीवन का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट, एक फेंस्ड गेट के पास देखा मैंने इसको, ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड उनके पड़ोस में कोई क्लब है जहाँ पे इसने देखा उसको, साहिब को, फेंस गेट के पास खड़ा था वो, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, उसने दो आदमियों को देखा प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, अब इसने साहिब ने कहा कि मेरे को गेम अच्छा लगता है, कंटेंट टू विच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और ये जो है वो फेंस जो वो तार बंधे हुए थे उससे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, उसने कहा कि मेरे को गेम जो है वो अच्छा लगता है। इनसाइड अंदर व्हेन नो वन इज ग्राउंड, ग्राउंड जब यहाँ कोई भी नहीं होता है, एडमिट वो एडमिट करता है, द गेट कीपर्स, गेट कीपर लेट मी यूज द, अब साहिब जो है वो एडमिट करता है कि जब गेट के पास कोई भी नहीं होता ना, यहाँ पे कोई नहीं होता, तो मेरे को ये जो गेट कीपर है वो अंदर झूलों पे झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, अब साहिब ने भी जूते पहन रखे हैं टेनिस शूज, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, उसने जो डिसकलर यानी शर्ट अलग कलर की, पैंट निकर अलग कलर की, वो जूते अलग कलर के, तो सब कुछ अजीब सा लग रहा था। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए हैं, ही सेज, वो कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जैसे एक्सप्लेन करते हैं ना कोई बात बताते हैं, तो उसने एक एक्सप्लेनेशन के तरीके से बताया कि किसी ने क्या किया, मेरे को ये जूते गिफ्ट किए हैं, दिए हैं मेरे को, द फैक्ट दैट मे दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, शायद ये किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड शूज है जो उसने जूते पहनने से मना कर दिया, वो जूते हैं, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद जिस उस बच्चे ने क्या किया है, इन जूतों को पहनने से मना कर दिया है, बिकॉज ऑफ द होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि इन जूतों में से एक जूते के अंदर क्या है, होल आ गया है, डू नॉट बॉदर हिम, ये बात जो है उस साहिब को परेशान करने वाली नहीं है, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, एक जो हमेशा नंगे पैर चला है, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, और उसके लिए जूते क्या है, जैसे कोई सपना है वो पूरा हो गया है, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, और वो गेम जो इतना इंटेंटली वो देख रहा है ना, ये उसकी रीच बहुत से पार है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, अब आज जब ऑथर मिली है तो साहिब क्या है वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील की कैनिस्टर है। आई नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग, उसने इशारा करते हुए बताया अब इसको ऑथर को कि मैं ना अब गार्बेज नहीं चूकता हूँ, मैं एक दुकान में काम करता हूँ, आई एम पेड 800 रुपीज, क्वेश्चन आएगा कि अब क्या कर रहा है वो, तो ही इज वर्किंग इन टी स्टॉल, सैलरी 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा जो मील है वहीं से आता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको अपनी नौकरी पसंद है, आई आस्क, मैंने पूछा, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा क्या था, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके चेहरे ने क्या था, जो केयर फ्री लुक थी ना, जब ये पहले मिलती थी उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक थी ना, अब वो केयर फ्री लुक नहीं थी, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, और जो स्टील का जो कैनिस्टर था, केतली जो थी, अब उसको वो भारी लग रही थी, देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो प्लास्टिक से भरा हुआ बैग जो है वो इसको बहुत आसानी से उठा लेता था, लेकिन अब ये जो चाय की जो केतली ली हुई है ना, ये इसको बहुत भारी लग रही है, द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो इसका था, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और जो कैनिस्टर है वो बिलोंग करती है एक आदमी से, मैन हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का ओनर है, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब जो है अब अपना मास्टर नहीं रहा है। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन लो स्प्रिंग, और अगर आपको लेसन अच्छा लगा, वीडियो समझ में आई, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।